आईपीएल 2020 के 20वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुंबई ने राजस्थान को 57 रनों से धूल चटा दी। पहले मुंबई के बल्लेबाजों ने और फिर गेंदबाजों ने तो शानदार प्रदर्शन किया है, साथ ही फील्डिंग भी मुंबई की लाजवाब रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 136 रन ही बना पाई। लेकिन इस मैच में मुंबई की बल्लेबाजी के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी ओर हर किसी का ध्यान गया। दरअसल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने करीब 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हार्दिक पांड्या को बीमर गेंद फेंकी। आर्चर की ये गेंद हार्दिक के सिर पर लगने से बाल बाल बची। अगर गेंद जरा भी इधर उधर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बैटिंग कर रहे हार्दिक पांड्या ने सभी चीजें छोड़ अपना ध्यान अंपायर से 4 रन की मांग करने पर लगाया, क्योंकि गेंद हार्दिक के ग्लव्स पर लगने के बाद पीछे विकेटकीपर जोश पटलर के बेहद करीब से चौके के लिए चली गई। इससे पहले कि अंपायर इसे लेग बाय का चौका देते, हार्दिक ने उन्हें बताया कि ये उनके खाते में जाने वाले रन है, गेंद उनके ग्लव्स से लगी है। खैर, इस घटना के बाद अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया और जोफ्रा आर्चर को इस बात के लिए वार्निंग भी दी गई। इस वाक्य के बाद आर्चर ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हार्दिक पांड्या से माफी मांगी। आपको बता दें, आर्चर आईपीएल के इस सीजन के सबसे तेज गति से गेंद डालने वाले गेंदबाजों में से एक हैं। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।